जय महाराष्ट्र, मी विशाल पाटील। राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी 99% इतकी खरी उतरत असते। आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह कई सारे सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं। सबसे पहली शुरुआत जो है मैं उस मुद्दे से करना चाहता हूं कि आजकल अगर देखें हम लोग तो बॉर्डर पर काफी तनाव है। पुलवामा में जिस तरीके का हमला हुआ था, उस हमले के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में आए दिन जो हम लोग देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको फिर से एक बार युद्ध होगा? देखिए, बहुत ही बड़ा सवाल है जी, पर सबसे पहले तो मैं विश्व शांति की अपील करता हूं जी। हाँ, कि भगवान किसी भी तरह युद्ध जैसे वातावरण को क्रिएट ना करें, क्योंकि युद्ध जो है वो सबके लिए बहुत हानिकारक होता है। आम आदमी उसमें ज्यादा पिसता है और किसी ना किसी तरह अर्थ का, जान का, माल का जिस तरह नुकसान होता है वो असहनीय होता है, प्रताड़ित होता है व्यक्ति। इसलिए मेरी तो सबसे पहले प्रभु से यही प्रार्थना है कि इस पृथ्वी के ऊपर शांति स्थापित हो। अब ये प्रार्थना के बाद आपकी बात करता हूं मैं जी। हाँ, कि क्या युद्ध हो सकता है? आपको याद होगा कि मैं कई कार्यक्रमों में अगले साल के राजा और मंत्री की बात करता हूं जी। हाँ, मैं ग्रहों के राजा और मंत्री की बात करता हूं, और पॉलिटिक्स में भी राजा और मंत्री होते हैं। अब ग्रहों के राजा की बात करें तो अगले साल का राजा शनि है, और मंत्री की बात करें तो मंत्री सूर्य है। यानी राजा सूर्य होता है, शनि मंत्री होता है, क्योंकि सूर्य पिता है और शनि पुत्र है जी। हां, इसलिए देश के राजा कौन है? नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तान के राजा कौन है? इमरान खान है। इन दोनों की भी कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, कर्क लग्न में बैठे हुए पांच ग्रह जी, शनि के साथ सूर्य, शुक्र, बुध और एक इंग्लिश ग्रह जिसको हम मानते नहीं, जब शनि और सूर्य इकट्ठे होते हैं एक ही घर में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं विस्फोटक वातावरण पैदा होते हैं जी। भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्ध हो चुके हैं। आखिरी युद्ध कारगिल का था, जो पूर्ण युद्ध नहीं था, मगर युद्ध तो युद्ध ही है, छोटा हो या बड़ा। उसमें भी हमने भी बहुत सी जाने खोई और उन्होंने भी बहुत से जाने खोई। इस वक्त युद्ध के वातावरण कुंडली के हिसाब से पूर्णतः बने हुए हैं जी। 7 तारीख को राहु और केतु बदल सकता है, और कहीं ना कहीं इस वातावरण का इफेक्ट हमारी राजनीति पे पड़ेगा। अब युद्ध की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली 12 मार्च के बाद ये वातावरण तीव्र गति से बढ़ सकता है, और अगले 6 महीने के अंदर 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 भारत पाकिस्तान युद्ध होने की पूरी संभावना है। अगर नहीं हुआ तो ध्यान रखें कि पूरा साल शनि राजा है और सूर्य मंत्री है, इस तरह के वातावरण सामने आते हुए दिखाई देंगे। नॉट ओनली इन इंडिया, जब जब शनि राजा और मंत्री सूर्य हुआ है तब तक विश्व युद्ध तक के वातावरण बने हैं जी। यहां तक वातावरण बनेंगे कि कहीं ना कहीं जो किंग जॉन जो है वो शांति से बैठे हुए हैं, फिर जो है दहाड़ना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं रशिया और चाइना का बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के ऊपर अपना अपना हाथ हो, और अगर यहां पे युद्ध हुआ डेफिनेटली उस युद्ध में चाइना का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि हम चाइना, भारत और इंडिया की सब चार तीनों कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। हमारे यहां पर युद्ध के वातावरण ना हो ये हजारों बार प्रयत्न किए जाते हैं जी। हाँ, मगर या वहां से हर तरह की ऐसी परिस्थितियां कायम कर देते हैं वो लोग कि युद्ध हो,
यानी कब कब कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले को जितनी देर तक मार कर ना बिठाया जाए उसको चैन नहीं आती। इस वक्त शुक्र में शनि की महादशा चल रही है, पाकिस्तान की कुंडली में जो कहा तक सिद्ध हो सकती है। पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा के लिए और पाकिस्तान को अपने बीच बचाव के लिए, एक देश विशाल जी जो भिखारी हो चुका है, जिसके पास लाइट नहीं है, बच्चों के पढ़ने के लिए फीस नहीं है, जो दर दर जाकर भीख मांगता है, वो देश तब भी हमारे साथ अननेसेसरली लड़ाई करने के लिए तैयार हुआ हुआ है। क्यों? तब भी जैशे मोहम्मद और हाफिज सैयद मतलब उमर मुल्ला जैसे लोगों को पाल कर बैठा हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि पाकिस्तान को शायद एक बार हिंदुस्तान फिर सबक सिखाएगा। ये अगले एक साल में पूरी तरह होते हुए दिखाई देता है। सत्ता किसकी भी आए, मंत्री कोई भी हो, राजा कोई भी हो, वातावरण जो है पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए उनको अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए कि जिस तरह की घटनाएं यहां होती हैं उखाड़ कर फेंक दे उन लोगों को जो वहां पे उग्रवाद फैला रहे हैं। जी हाँ। उनको घर से बाहर कर दिया, उन्हीं की जगह से कहीं बाहर सेफ जगह दे दी। पाकिस्तान इमरान खान ही चला रहा है, इस बात को ध्यान से देखिए आप। पाकिस्तान चला रहे हैं वो तीन चार संगठन जिन्होंने एकदम गरीब और जिन बच्चों को लड़ाई पता नहीं होती, आपको याद होगा आर्मी के कुछ बच्चों को 200-300 बच्चों को क्लास में जिन बच्चों को मार दिया गया। जी हाँ। नरसंहार क्या होता है ये पाकिस्तान ने आप पूरी दुनिया को करके दिखा दिया। यानी जो अपनी कौम के बच्चों को, जो बच्चा देश का भविष्य होता है उसको नहीं छोड़ते हैं तो भारत के लिए उनका क्या न्याय होगा। मैं तो यहां पे अपने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी और सीतारमन जो है उन मैडम सीतारमन से प्रार्थना करता हूं कि डेफिनेटली इस वक्त पूरे देश की मांग है और पाकिस्तान डिजर्व करता है और उनकी कुंडली में लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं उनको मार पड़ने वाली है। युद्ध के वातावरण पूरी तरह से सामने नजर आ रहे हैं। पर चुनाव पर कितना असर होगा? देखिए चुनाव ऐसा है कि पहले जब मैंने बोला तो कुछ चैनलों के माध्यम से मुझे ये बताया गया कि आप मत बोलिए, ये चुनाव तो समय पर ही होंगे। पर डेफिनेटली चुनाव भी कहीं ना कहीं स्थगित हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। 7 तारीख से आचार संहिता लगेगी और मैं 7 और 5, 12 दिन पहले ये बोल रहा हूं 50-50 चांसेस हैं कि चुनाव भी इस परिस्थिति को देखकर स्थगित हो जाएं, क्योंकि जब राष्ट्र को सुरक्षा की जरूरत होती है तो उस वक्त चुनाव या कुछ और महत्व नहीं होता, उस वक्त नेशन राष्ट्र जरूरी होता है। मैं तो ये अपील करता हूं अपने सब नेताओं से कि बिल्कुल राजनीति को परे रखकर इस चुनौती का डट कर मुकाबला करें और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का दिन आया हुआ है। उनकी कुंडली में भी कहीं डिजास्टर लिखा हुआ है और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पाकिस्तान उस तरफ खुद ही बढ़ रहा है जी। कि उसके 3 या 4 टुकड़े हो जाएं। उनको जरूरत ही नहीं लग रही है कि वो इस स्थिति को संभाल पाए। जी भारत की राजनीति जो है उस पर अखिलेश यादव और मायावती इनके गठबंधन का कितना परिणाम देखने के लिए मिलेगा? देखिए भारत की राजनीति की सबसे बड़ी जो स्टेट है ना वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ। 80 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार छक्के पे छक्के मार दिए। समीकरण बदल चुके हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 जगहों के ऊपर उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी हार चुकी है और कम से कम 2 या 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर चले गए हैं। जी हाँ। और आगे आने वाले दिनों में इलेक्शन से पहले पहले हो सकता है 2-4 लोग जो हैं वापिस दल बदल लें, कुछ समाजवादी में चले जाएं जी, कुछ बीएसपी में चले जाएं, साथ में इन बीएसपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जो आपका सवाल था मायावती और अखिलेश वाला जी हाँ। कि यहां तक
इन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करें, भुआ भतीजा बोलते हैं इनको, इन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करें तो डेफिनेटली भुआ भतीजा जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज करके जा सकते हैं। 70-72 सीट, 74 सीट आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उनमें से मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 50% भी रिटेन कर सकती है। कहीं ना कहीं अखिलेश और मायावती और साथ में आरएलडी भी है, अजीत सिंह साहब की, चौधरी अजीत सिंह साहब की एक मतलब कहने का कि चौधरी अजीत सिंह साहब की एक पार्टी है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, वो भी इनके साथ है। तो ये कम से कम महागठबंधन जो है 35-38 सीट लेकर जाता हुआ दिखाई देता है, और उसके बाद प्रियंका भी आई हुई है। जी हाँ, तो उसको लेकर ही मुझे सवाल पूछना है कि हाँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर प्रियंका गांधी के आने का कितना असर रहेगा, क्या चमत्कार दिखा पाएंगी वो? देखिए ऐसा है कि प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे इंडिया की राजनीति में बहुत बड़ा चमत्कार दिखा पाएंगी। जी हाँ, और उनकी कुंडली ही बहुत सुंदर है। 12 जनवरी 1962 उनकी कुंडली इतनी बढ़िया है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जो है इस देश की आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, 2019 में नहीं तो 2022 में, क्योंकि जो भी अगली सरकार होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस नेतृत्व की या इन सब महागठबंधन जो बना हुआ है उसकी सरकार हो, उसकी आयु बहुत अल्प होगी। अच्छा, उस सरकार की आयु बहुत छोटी होगी। उन 2-2.5 सालों के बाद जब वापिस सत्ता में कोई पार्टी आएगी, अगर कांग्रेस आती है, तो उसकी प्रधानमंत्री प्रियंका गांधी हो सकती है। प्रियंका गांधी की कुंडली में एक लंबा राजनीतिज्ञ राजयोग बना हुआ है, जिसके कारण मैं आज इस मंच के माध्यम से, मंगल की महादशा उनकी 25-8-2018 से चल रही है, मंगल की महादशा में 2025 से पहले पहले 18 से 25 तक उनकी मंगल की महादशा है, वो इस देश की पंत प्रधान बनती हुई दिखाई देती है और अपनी दादी की तरह डेफिनेटली इस देश को, राष्ट्र को एक दिग्गज और एक महान नेता अपने आप में समर्पित करती हुई दिखाई देती हैं। मगर यहां पर उनकी कुंडली में एक सबसे बड़ा दोष रहेगा, वो है सप्तम भाव का। इंदिरा जी की कुंडली में भी सप्तम भाव आपने देखा कि आप पति से हमेशा उनका किसी ना किसी तरह का वाद विवाद रहा, चाहे वो पंडित नेहरू की वजह से था, चाहे वो कोई भी कारण अपने उनके व्यक्तिगत मतभेद थे फिरोज गांधी के साथ। यहां पर जो रॉबर्ट बडेरा हैं, उनके पति हैं, चाहे वो आज उनको सपोर्ट कर रही हैं, पर सप्तम भाव साफ साफ ये कहता है कि कहीं ना कहीं उनकी विवाहित जीवन में कोई ना कोई वॉलेटिलिटी जरूर आएगी, मगर देश का संचालन करने के लिए। और आपने उत्तर प्रदेश में उन क्या असर करेगी प्रियंका, यहां पर 6 सीटें या 8 सीटें कांग्रेस लेकर जाती हुई दिखाई देती थी, वहां पर कांग्रेस 12-15 और उससे भी ऊपर सीटें ले जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ बिल्कुल, और भी कई सारे सवाल मुझे आपसे पूछने हैं, जवाब उसके लेने हैं। आज आपका थोड़ा गला खराब दिख रहा है। जी बिल्कुल। जी तो वेजा लिए का छोटा सा ब्रेक, कुठे जाऊ नका, पहात रहा राजमंत्र। ब्रेक नंतर राजमंत्र मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। पुन्हा एकदा पंडित जी मी आपल्याकडे येतो। आपण राष्ट्रीय राजनीति की बारे में हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा जो है हम लोग महाराष्ट्र की ओर झुक जाते हैं। छगन भुजबल जी एक काफी दिग्गज नेता है एनसीपी के, वापस क्या जेल में जाना पड़ सकता है उन्हें? इसी चैनल के माध्यम से हमने भविष्यवाणी की थी, पहले एक बार आपने की थी जी, छगन भुजबल इतनी तारीख तक जेल जा सकते हैं। जी हाँ, और जब वो आने की भविष्यवाणी की थी तो भी हमने बोला था कि तभी वो बाहर भी आ गए, प्रभु कृपा रही। मगर अब छगन भुजबल साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं
तो 15/10/1947 उनका जन्मदिन है और तुला राशि और स्वाति नक्षत्र है। जी हाँ, तुला राशि के ऊपर 7.5 खत्म हो चुकी है मित्रों, और इस वक्त उनकी केतु की महादशा चल रही है। केतु में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। डेफिनेटली शगन भुजबल जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह जेल जाते हुए दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट इस वक्त अगर मैं उनकी कुंडली का बहुत गहनता से अध्ययन करने के बाद आपको बोलूं तो इलेक्शन लड़ने के बाद जीतते हुए दिखाई देते हैं, और पॉसिबल है आगे आने वाले दिनों में अगर एनसीपी की सरकार बनती है तो पुनः मंत्री बनते हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है। यहां पर शगन भुजबल साहब को एक बहुत ही बड़ी ताकीद करता हूं मैं हेल्थ, उनकी हेल्थ के बारे में, कि उनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने को डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि और उन पहले भी मैंने बोला था शत्रुनाशक पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत शत्रु बहुत है। कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में भी उनके शत्रु हैं, और एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के बहुत बड़े ज्येष्ठ नेता हैं। शरद पवार साहब को उन दिनों उन्होंने साथ दिया जब शरद पवार साहब ने एनसीपी अभी खड़ी की थी, तो ऐसा समझ लीजिए कि ऊपर से लेकर नीचे तक जब हम फहरिस्त बनाते हैं तो शरद पवार के बाद में अजीत पवार, अजीत पवार के बाद में सुप्रिया सुले, और उसके बाद अगर किसी दिग्गज नेता का नाम आता है तो वो डेफिनेटली पहले शगन भुजबल जी का है। हाँ, दिलीप बलसे पाटिल हैं, उदयन सिंह राजे भोसले हैं, डेफिनेटली शगन भुजबल एक प्रथम श्रेणी में आते हुए नेता हैं। उनको सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उनको पुनः कहीं ना कहीं कारावास के योग बनते हैं। जी, एक और सवाल पूछना है जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्या आने वाले दिनों में शरद पवार जी प्रधानमंत्री के रूप में नजर आएंगे? देखिए, इसके ऊपर 2-3 बार हमने चर्चा की है। जी हाँ, 12/12/1940 बारामती में उनका जन्म हुआ, गुरुवार का दिन था। जी, ऐसा समझ लीजिए कि दिव्य दृष्टि, दिव्य पुरुष, कहीं ना कहीं उनके जीवन में सामान्य व्यक्ति से इतना बड़ा आदमी बनने की ताकत, मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगल है, अपनी जिद और अपने पराक्रम से शरद पवार ने जो है दुनिया को ये बात करके दिखा दी कि मैं साहेब हूं। जी बिल्कुल, और मैं कुछ कर सकता हूं। मैं तो बोलता हूं कि हर जवान बच्चे को उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि शरद पवार साहब ने अपने जीवन में कभी भी शांति से, या मेरे को नहीं लगता होगा कि उन्होंने कभी छुट्टी भी ली होगी, राष्ट्र के लिए समर्पित नेता, क्यों नहीं पीएम बनना चाहिए? पूरे देश को एक माला में पिरोने की ताकत रखने वाला नाम है शरद पवार। जी बिल्कुल, कांग्रेस से बाहर आने के बाद वापस कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम है शरद पवार। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी के सबसे क्लोज रहने वाले व्यक्ति, उसके बाद में राष्ट्र में भी राजीव गांधी हूँ या राहुल गांधी हूँ, आज भी राहुल गांधी के साथ में बैठकर कदम से कदम बढ़ाकर उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली मैंने पहले भी बोला था, आज फिर रिपीट करता हूँ कि 2019 का अगर कोई सबसे बड़ा पहलवान होगा, राजनीतिक पहलवान, चाणक्य बोलता है कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत कर, इसी तरह राजनीति में किसी पे विश्वास नहीं करके शरद पवार जो है अपनी ऐसी चालें चल सकते हैं, एक ऐसी राजनीति, ऐसी कौटल्य नीति, ऐसी चाणक्य नीति चल सकते हैं जिसमें वो इस राष्ट्रीय राजनीति का चक्की का बीच का धुरा होता है वो हो सकते हैं, चाहे वो अखिलेश हो, मायावती हो, ममता हो। अगर इन लोगों को वापिस एक मंच पर लाकर राहुल गांधी की सपोर्ट करने में कोई सक्षम है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है शरद पवार। जी, इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि शरद पवार अगले प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। इन तीनों चीजों में कुछ भी संभव है, मगर मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता प्राइम मिनिस्टर बने। जी बिल्कुल, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी अगली चाल के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनको आशीर्वाद भी देता हूं और बेस्ट विशेस भी कहता हूं।
मेरा और एक महत्वपूर्ण सवाल है, देश की अर्थव्यवस्था में कब सुधार दिखाई देगा और शेयर बाजार कैसा रहेगा? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था तो मैं पहले भी विशाल जी 2-3 बार बोल चुका हूं जी हाँ। कि देश की अर्थव्यवस्था को गिरते मैं देखता ही नहीं क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी हूं और अर्थशास्त्र को ज्योतिष शास्त्र के साथ जोड़कर उनका अलायंस बनाकर प्रडिक्शन करते आया हूं। अपने शो के माध्यम से भी करता हूं जी। और सबसे जो लोगों का चहेता सेगमेंट भी ये है। मैं भारतीय बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखता हूं जी हाँ। ज्यादा से ज्यादा 32-33 हजार, ज्यादा से ज्यादा इससे नीचे नहीं आ सकती। अब बाजार में क्योंकि भारत अपने काल सर्पदोष से बाहर आ चुका है, एक ही देश ऐसा है जिसमें आज एनुअली 7-8% की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 35,800 के बंद हुआ। डेफिनेटली ये इसका पिछले बार हमने जो भी बोला वही हुआ, 35,200-300 नीचे का आंकड़ा है और 36,400 ऊपर का है जी। ये वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, एक तो इलेक्शन, दूसरा यहां पर अटैक्स, तीसरा FIIs की बाइंग एंड सेलिंग कभी कभी ज्यादा हो जाती है, मगर बड़ा जंप या बड़ी गिरावट कहीं नहीं दिखाई देती। NSE भी 10,950 ऊपर का आंकड़ा और 10,500 नीचे का आंकड़ा जी हाँ। गोल्ड में बढ़त जारी रहेगी। 26,000 में हमने लोगों को गोल्ड सुजेशन दिया था इधर जी बिल्कुल दिया, और आज 33,500 हो गया है और वो दिन दूर नहीं जब मैं गोल्ड को 35,000 यहां पे देख रहा हूं। गोल्ड लेकर रख लीजिए, 33,000 के नीचे आए तो थोड़ा ज्यादा लेकर रख लीजिए। सिल्वर 40,268 पे बंद हुआ है, इसके 45,000 जाने के पूरे पूरे योग हैं। ये 39,000 से नीचे आता हुआ दिखाई हाँ। नहीं देता। और इस तरीके से जो है आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कुछ ढेर सारे प्यार हमारे दर्शकों ने भेजा हुआ है पंडित जी, उनके नाम बता दूं, राकेश शर्मा जी है, ऋचा पराशर है, मुकुंद भसे हैं, साथ में भूषण भिका जी महावलनकर है मुंबई से, गुरुराज एस कुलकर्णी है महाराष्ट्र से ही, राहुल हेलोंडे है, देन रवि करिया है, एडवोकेट अफरोज शेख एंड प्रशांत मनोहर, इन लोगों ने अपने प्रोग्राम को काफी सराहा हुआ है जी। थैंक बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप आए और हमें मार्गदर्शन किया इसलिए जय। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का प्यार बना रहे जी। तो राजमंत्र मध्ये आपण वेळ झाली इथंच थांबण्याची, मात्र तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।